नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस में हूँ, बनारस के नवापुरा में हूँ। अब यहाँ पे हम मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स से बात करेंगे कि इस बार वो किस पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अब किसे चुनेंगे आप? देखिए, पूरा प्रदेश एक तरफ से एक नेता है और कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को अब बताइए, योगी जी से अपनी नाराजगी बहुत जबरदस्त लग रहा है। योगी जी तो हमको मुख्यमंत्री नहीं लगते। हाँ, क्या लगते हैं योगी जी? अपनी में बताइए, कहा है ऐसा नाराज है उनके प्रति? कहा है आप वो 80 और 20 की बात करते हैं। पश्चिम में जो 115 सीट है वहाँ बीजेपी की लड़ाई नहीं है, एसपी और बीएसपी लड़ रही है। आप जाके देख लीजिएगा। 115 की बात मत करें, फिलहाल 403 सीट। 403 सीट पे 215 सीट अखिलेश यादव की अलग कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद सब लोग अपने अपने बंटवारे में। 80-20 की लड़ाई में कह रहे हैं कि इस बार हम जो है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। विकास हुआ कहाँ है? अभी भाई साहब ने बताया था आप ही लोग के बीच में कि चारों तरफ हाईवे बनाया। ऐसे लगता है कि जैसे हाईवे पर चलते तो लगता है हम विदेश में हैं। अभी भाई साहब विदेश देखे नहीं है? यहाँ का जितना हाईवे सब चुना है। कौन सा हाईवे? एक हाईवे ऐसा है जहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ, जो मायावती ने बनवाया, बाकी जितना हाईवे है। जी का कुकरम देख लीजिए, कम से कम 80-85 आदमी मर गए और उन्होंने 15-16 आदमी को दिखाया। सारा का सारा हाईवे चुआना है, चुआना मोदी। अच्छा, तो जब मायावती ने इतना बेहतर काम किया और मायावती ने कुछ किया है? आपकी तो उम्र 50 साल के आसपास। मायावती ही एक ऐसी मुख्यमंत्री थी जो दंगा मुक्त शासन दिया और बदमाश मुक्त शासन दिया। यू तो बदमाशों में बुलडोजर चलवा रहे हैं के? योगी एक व्यक्ति के लाइन के जो बदमाश, जो गुंडे भी नहीं है, जिनके ऊपर केस साबित भी नहीं हुआ, उनको जबड़ी अकना जा रहा है। बिल में फलानी जगह डेकानी जगह कहीं कुछ नहीं है। इनके साथ अगर कोई जाए, सपा से कोई चला जाए गुंडा, सपा का कोई गुंडा बीजेपी में चला जाए तो वो दाल मिल की तरह धो के आता है। अच्छा, वो मान लीजिए अगर भाजपा से सपा में चला जा रहे, भाजपा में जो सपा में जाता है ना, उसकी क्राइटेरिया देख के रखा जाता है हम लोग की ये कितना बड़ा माफिया है, कितना बड़ा चोर है। अच्छा, बाकी भी इतना सब बंटवारा है, कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं है इस चीज से। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं गुंडे तो वो फिल्टर हो जाते हैं, वो इमाम हो जाते हैं, वो योगी जी के वो हो जाते हैं, क्या नाम है, चेले, सेकंड योगी हो जाते हैं, मठ के नुमाइंदा। अखिलेश यादव की जो भाभी अपर्णा यादव है, तो छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की, जी वो तो बीजेपी में चली गई। अपर्णा तो ब्लैकमेलर है, इसके 5 साल जो अखिलेश का नथिंग हुआ है इन्हीं लोगों के वजह से हुआ है। अखिलेश 5 साल सब लोगों ने ब्लैकमेल काम करने का काम किया, इसीलिए अखिलेश यादव सबको नथिंग करके आपकी पार्टी अकेले चल रहे हैं। धन्यवाद आपको।